27 साल से बीजेपी को गुजरात में कोई हिला नहीं पाया, कहते हैं कि एक तरीके से ये बीजेपी की ही स्टेट है। आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, आपको ये कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है कि आप बीजेपी की विकेट को ढीली कर सकते हैं गुजरात में? देखो, 53 लाख किसान परेशान है, उसका परिवार गिनाओ, 50 लाख बेरोजगार युवा है, उसका परिवार गिनाओ, आउटसोर्सिंग कर्मचारी 8.5 लाख, इतने कर्मचारी जो 5 लाख कर्मचारी उनको कोई उम्मीद नहीं है। दूसरा कि यहाँ अच्छी अस्पतालें नहीं है, अच्छे स्कूलें नहीं है, और जैसा भी है लोगों ने तो भाजपा को पसंद किया ना, इतने सारे इलेक्शन किया था, सामने कांग्रेस थी और कांग्रेस मैनेजेबल थी, तो कांग्रेस काफी स्ट्रांग थी एक टाइम पे, बिल्कुल थी 2017 में कांग्रेस बिल्कुल स्ट्रांग थी, लेकिन 2021 की मैं अगर बात करूं तो कांग्रेस 31 डिस्ट्रिक्ट पंचायत का चुनाव हुआ, कांग्रेस 0 हो गई, जो 2015 में 31 में से 25 डिस्ट्रिक्ट पंचायत कांग्रेस ने जीती थी, 2 पे टाई पड़ गया, यानी कि 27 में कांग्रेस थी, तो कांग्रेस खत्म हुई और फिर लोगों को आम आदमी पार्टी में उम्मीद जगी। बीजेपी की जो स्ट्रेंथ है गुजरात में वो आती है अर्बन सीट से, और अर्बन सीट्स ऐसे रहे कि एक तरीके से बीजेपी मान के चलती है कि ये 60 सीटें तो हमारी जेब में चुनाव स्टार्ट होने से पहले। बिल्कुल आपने सही कहा, 66 सीट ऐसी है राहुल जी जो बीजेपी पिछले 15 साल से जीतती आ रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी ने पहली डेंट मारी अर्बन सीट पे। कैसे? जैसे कि एक उम्मीद है अरविंद केजरीवाल जी को, अर्बन जो पीपल है, अब देखो थोड़ा सा आपका बना ना, मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट बनना और सीट निकालने में एग्जांपल देता हूँ मैं, 16 सीट सूरत की है, 15 सीट भाजपा है पिछले 15 साल से, इस बार 8 से 9 सीट हम जीत सकते हैं सूरत में। हाँ, पिछली बार भी ऐसी लग रहा था कि बीजेपी लूज विकेट पे है और फिर देखो वहां निकाल गए सारे। देखो उसमें कांग्रेस ने, कांग्रेस मैनेज हो गई थी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, करंज में कैंडिडेट आखिरी तौर पर चेंज हो गया, तो ये पूरा मतलब कि बीजेपी को कांग्रेस मैनेज करनी बहुत अच्छी तरह आती है, और इसलिए देखो 27 साल से क्यों है भाजपा, कांग्रेस आई क्यों नहीं, आप पंजाब के देख लीजिए, ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ फिर भी वहां कांग्रेस आ गई, बीजेपी यहां कांग्रेस क्यों बीजेपी को हटा नहीं पाई, क्योंकि मैनेज होती थी। और आपने पिछले 8 साल से 65 कांग्रेस के बड़े नेता बीजेपी में चले गए, अब यहाँ पे भी मिल लोग 5-7 जो कांग्रेस के एमएलए, कांग्रेस के कुछ तो आप भी ले रहे थे नेता? नहीं नहीं नहीं, उनमें वो तो वापस छोड़ के चले गए, कह रहे कि आप किसी काम के नहीं हो। देखो एक चीज है कि यहाँ आम आदमी में संघर्ष है, सत्ता नहीं है, संघर्ष में वही टिक पाएगा जो संघर्ष करने की ताकत रखता हो। मैं हर रमेश कहता हूँ कि माइक आंगले नेता है ना, कभी काम नहीं करवाता, और उसी की वजह से ये राजनीति ऐसी थी। अब देख लीजिए पूरे गुजरात में 6,000 स्कूलें बंद की है, 6,000 स्कूलें बीच के जहाँ गरीब बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई बड़े उद्योगपति का बच्चा नहीं है वहां पे, तो ये पूरा सिस्टम सड़ा हुआ है, बहुत कुछ करना है। बार बार आप अर्बन पॉकेट्स की बात कर रहे हैं, अर्बन पॉकेट्स में अगर आपके कुछ आ भी गए, जैसे म्यूनिसिपैलिटी का मैं वोट शेयर देख रहा था, 18-20-22% आपका वोट आ भी गया, तो ये तो कांग्रेस को डेंट मार रहा है ना, कोई सीट थोड़ी निकल रही है। राहुल जी देखो 2017 की मैंने कहा कांग्रेस अलग, 2021 की कांग्रेस अलग है, 2021 में आम आदमी पार्टी ने शुरुआत की थी, मान लो कि आप देख लो 28% वोट आए सूरत में, मैं भी नहीं था, कोई बड़े नेता नहीं थे, आप देख लीजिए बड़ौदा में आए, अहमदाबाद में 20% आया, राजकोट में 20 आया, सीट तो 45 पे निकलती है ना। नहीं नहीं, मैं ये तो कह रहा हूँ कि 2021 में जहाँ शुरुआत है आम आदमी पार्टी की, अब तो आम आदमी पार्टी बहुत बड़ी हो गई, अब तो देख लिए आम आदमी पार्टी को लोग इतने चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी के पहली बार जब हम आदिवासी इलाके में जब सभा करने गए तो 5,000 लोग हमें नहीं मिले थे, अब लाख लाख लोग मिल रहे थे अलग अलग एरिया में। ये आपका स्कूल है? हाँ, मैं यहाँ पढ़ा हूँ, मैं जब छोटा था तब यहाँ पढ़ते थे, ये मेरा स्कूल है। ठीक ही लग रहा है स्कूल, इसने कुछ बुरा तो किया नहीं इन लोगों ने? बनाया गया है, पहले मैं जब था तब कम था, लेकिन इसमें दिक्कत ये है ना कि स्कूल है, पूरे टीचर्स नहीं होते, पूरे क्लास नहीं होते। ये तो ठीक ही लग रहा है सर मुझे स्कूल। नहीं, स्कूल ठीक होना जरूरत नहीं है, मान लो कि यहाँ अभी नहीं बनाई गई, लेकिन यहाँ टीचर्स नहीं है, इंग्लिश मीडियम में
मतलब यहाँ मेरा गांव का बच्चा अगर पढ़ना चाहते हो तो प्राइवेट में जाते हैं बेचारे यहाँ आगे। ये सरकारी स्कूल है? ये सरकारी स्कूल। अच्छा। हाँ थोड़ा अभी तो ये रिनोवेशन सब हुआ है, पहले यहाँ छोटी थी हुआ करती थी। अच्छा। हाँ इसमें मैं मतलब पढ़ा हूँ।